Ya tuh ya.
वो एक तरफा हो या अनरीजनेबल हुई है तो आप किसको आप उसके साथ आधार पर डालोगे अगर आप उसको कैपेसिटी के आधार पर नहीं हटा पा रहे अगर आप उसको फिजिकल से आधार पर नहीं हटा पा रहे तो आप उसको कैसे हटाओगे कोर्ट ने बड़ा सिंपली बोल दिया ये जैसा रूल नहीं है इस कंपनी का तो इसे पब्लिक का एक बड़ा तबका लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल वो अफेक्ट हो रहा है उनको नुकसान पहुंचा है इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि ये ऐसा नॉलेज पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रभाव डाल रहा है एंड फॉर दैट रीजन कैन बी कोशिश कर रहा है कोर्ट आपको पता है वो कोशिश कर रहा है ये सेक्शन से अफेक्ट क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ और क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ सेक्शन से अफेक्ट है तो ये वॉइड है यहां पे कोई परेशानी वॉइड है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है कि क्लोज वॉइड तो कोर्ट ने बोला कि उस हद तक की वॉइडिटी होगी जिस हद तक कॉन लॉस है जिस हद तक पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है उस आधार पर किस क्लॉज को वॉइड माना जाएगा कोर्ट पर ये जजमेंट तो चलो ठीक है कोर्ट को जो करना था उसने कर दिया पर हमारा काम यहां पे खत्म नहीं हुआ आपको क्या लगता है कोर्ट ने जिस अप्रोच को यहां पे अपनाया जो तरीका अपनाया एनालिसिस किया क्या वो सही है और सही से सारे इंपॉर्टेंट बात है क्या वो बेटर कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा फॉर द फ्यूचर खास करके इन द प्रेजेंट सिनेरियो जैसा मैंने बोला कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का जमाना आ चुका है जहां पर ऐसे क्लॉजेस और इससे खतरनाक क्लॉजेस आम है आम है तो हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस जजमेंट कि कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज को पब्लिक क्लॉज पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मान लिया फॉर द रीजन कि कोर्ट को लगा कि वो एक तरफा है अच्छा यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल आपको वायलेट होता नहीं लिखा वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी पार्टी स्वेच्छा से फ्री है बुकिंग टर्म्स और कंडीशंस के दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट कर रही है कोर्ट कौन होता है बीच में आके बोलने वाला कि ये बात रीजनेबल है या नहीं एक बार अगर आप उस नतीजे पे पहुंचे कि पार्टी स्टेबल है और उन्होंने जो भी उसका फ्री कंसेंट किया उन्होंने किसी सेक्शन नहीं करवाई किसको कहीं ना कहीं आप उसको पार्टी की आजादी का कंपोनेंट नहीं कर सकते कोर्ट की क्या लॉजिक बनता है तो इंटरफेयर इन सच सिचुएशन जहां पे एस्टेब्लिश हो सकता है कि पार्टी ऑफ पीपल एंड व्हाट दे डिड दैट फ्री कंसेंट कभी पार्टी एस्टेब्लिश हो गया तो मैं कितने भी अनकॉन्शियस पार्टी में जाऊं मैं यार 100 रुपए की चीज 1 रुपए में या 100 रुपए की चीज 10 करी वो इसी कोर्ट से दैट माय कॉन्ट्रैक्ट और पर्टिकुलर क्लॉज इन माय कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट करेक्ट इज नॉट रीजनेबल इज पब्लिक पॉलिसी ये जो आदमी बोल रहा हूं ठीक है बिल्कुल 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 वही मतलब क्या होता है शू शू जीरो नथिंग
किसी परिस्थितियों की वजह से किसी कारण से वजह से वो पॉसिबल नहीं रहा उसको करना पॉसिबल हो गया यहां पे वॉइड नहीं है कि वैलिड हाउस वॉइड आ गया वो तो फ्री कंसेंट वाली सिचुएशन होता है कोई अशर्टन डिफरेंस यहां पे वैलिड वॉइड हुआ इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी जगह पर बनाना था बाड़ा भी पानी में डूब गया सब कुछ क्या फ्रस्ट्रेट होगा किसी व्यक्ति को बाड़ा करना था उसी में तो फ्रस्ट्रेट होगा यहां पे सीधा वैलिड को वॉइड नहीं किया किसी ने नहीं किया वो अपने आप हुआ तो दिस इज हाउ थिंग्स गो फिर से रिपीट कर रहा हूं वैलिड आर टू टाइप्स ऑलवेज वैलिड ऐसे वैलिड को वॉइड किया जरूरी नहीं किया था उसका वो हमेशा वैलिड बना रहे और वॉइड आया तो वॉइड बन जाएगा वॉइड को बना के शुरू से वॉइड होता है इंडिपेंडेंट कुछ किया जाता है दूसरे कभी वैलिड से बात वॉइड कभी वैलिड से बात वॉइड में स्टेट दो हो जाता है या तो वॉइड बना की परिस्थिति कभी यहां पर होते थे अब यहां पर है उसके अलावा ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर उसको प्रोटेक्शन से करना तो पॉसिबल
कर रहे हो, उस डिलीवरी कर रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट व्हाट इज प्रेजेंट स्टेट, वो ऐसा ना करता है। और किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे तरीके की सिचुएशन तो आती रहती है, तो किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले हो जा रहा है और दूसरी वजह से क्योंकि मेरे पार्टी कंट्रोल नहीं होती, बहुत सॉन्ट को फ्रस्ट्रेटिंग बन सकता है। इंप्रैक्टिकल सिचुएशन तभी आती है अगर उसके हाथ के बाद भी अगर काम करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे बायर्स हैं वो रेडी है वेट करने के लिए, जितना भी होगा तो आपके लिए रेडी होने का कंट्रीब्यूशन पूरा तरीके से स्पेशल डेलीवरी को एंड में होगा, कोई बात समझ में आती है, कोई नंबर का नॉट बी राइट, बट व्हेन यू आल्सो डू नॉट टू पुट इट एनीवे, व्हाट द फाइल के लिए क्या होगा, कंसल्ट यू अपडेट करते हो, तो राजा का फॉर दैट रीजन पोर्टेबल है, यहां पे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, यहां ये बोल सकते हैं कि जो कंप्लायंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो इंपॉसिबल हो गया, ये तो फिजिकल और प्रैक्टिकल इसलिए बोलते हैं एनफोर्स किया और सप्लाई किया कंपनी का कंप्लीट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ये बच्चे केस जो है फ्रस्ट्रेशन बहुत प्यार और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, जिसे तो आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हो और स्पेसिफिक और इसके एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे दैट इज ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी माइंड जो आपको दिमाग में आती है, जो भी एग्जांपल हो दे मस्ट फिट इनटू योर केस स्टडी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बी क्लियर, पहले सोचो एनालाइज करो, इसका एग्जांपल दे, हमें जल्दी से क्या सभी लोगों को ये समझ में आया है, अभी ऑल क्लियर व्हाट लॉन्ग फ्रस्ट्रेशन इज एंड हाउ इज इट मेक कम सम सब समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है।